नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है तो उसकी वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों जैसे कि इससे पहले की जो वीडियोस हमने पढ़ी हैं तो उसमें हमने बहुत सारा सिलेबस जो है वो हमारे रीजनिंग हो गई और मैथमेटिक्स हो गया, तो उसका सिलेबस जो है वो उसको कंप्लीट कर दिया, बहुत सारे सिलेबस को, जैसे नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गए, फिर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से हमें पेपर देखने को पेपर में जो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दो तीन, ये सब हमारे कंप्लीट हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क जो है वो भी कंप्लीट है। आज की वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर हमारे चार पांच टॉपिक जो है वो बचेंगे और उनको भी हम नेक्स्ट आने वाले दिनों में जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएँ। तो ये है मेरे चैनल का लोगो, तो इसको सब्सक्राइब कर दो। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कि हमने पिछली जो वीडियो देखी थी, पिछले क्वेश्चन जो हमने देखे थे, तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन जो था तो वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो था तो उसमें से आया था उसमें, ठीक है। और हाँ टाइम एंड वर्क जो था तो उसमें भी हमने जो है वो रेशियो वाले क्वेश्चन को किया था कि इतने आदमी जो है वो इस रेशियो में जो है वो उस क्वेश्चन को, सॉरी उस काम को जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो बताओ इतने आदमी जो है वो कितने टाइम में जो है वो उस क्वेश्चन को जो है वो करेंगे। तो उसमें हमने रेशियो के क्वेश्चन को किया था। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है तो ये एक अलग ही टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड एज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसमें कोई मैथमेटिकल फार्मूलेज वगैरह कुछ कोई ज़्यादा है नहीं, बस कुछ दो तीन ट्रिक्स हैं, तो उनको अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो उससे जो है वो हमारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे और ये मुफ्त के नंबर्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमें जो है वो सीखना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ, कहता है कि ए एंड बी, देखो ए एंड बी जो है, ए एंड बी नहीं है, इसको बोलेंगे ए इज टू बी, ठीक है। ए इज टू बी जो है वो 4:3 है, ठीक है। ए इज टू बी जो है वो 4:3 है और बी इज टू सी जो है वो 9:16 है। तो बताओ हमारे पास ए कितना होगा, ए की रेशियो क्या होगी, बी की क्या होगी और सी की जो है वो क्या रेशियो होगी। देखो सबसे पहले तो हम जहां से सीधा बता देते हैं कि ए की जो है वो भाई साहब 4 है, ठीक है। तो बी के लिए हमारे पास 3 है, लेकिन यहां पर बी के लिए हमारे पास 9 है तो सी के लिए हमारे पास 16 है। तो अब हमें बोलता है कि ए बी और सी के बारे में बताओ। देखो ए और सी के बारे में तो अगर हम जहां से, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलेंगे कि भाई ये तो डायरेक्टली हमें दी है, तो हम बोलेंगे ए की 4 हो गई और बी की जो है वो 9 हो गई और सी की जो है वो 16 हो गई। लेकिन बी की जहां पर 3 है, यहां पर जो है वो 9 है, तो हमें जो है वो एक ऐसी रेशियो लानी है जो कि कॉमन हो, ठीक है। तो उसको हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे ए इज टू बी हो गया, ठीक है, ए इज टू बी हो गया, तो इधर हमने लिख देना है बी इज टू सी कर देते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे हो जाएगा ना, ए इज टू बी इज टू सी हो जाएगा, बिल्कुल। मतलब ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, बी की चल जाएगी और सी की पता चल जाएगी। ऐसे ही हम जो है वो इसको जब लिखेंगे, इसकी वैल्यूज को लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी थी 4, तो हम इसको लिखेंगे 4:ए:बी, तो बी की वैल्यू कितनी थी 3, ठीक है, 4:3 आ गई हमारी। फिर दूसरा था बी इज टू सी, ये आ गया बी इज टू सी, इनकी वैल्यू कितनी थी 9:16, तो हम कर देंगे इसको 9 जो है वो 16 कर देंगे, ठीक है, 9:16 कर देंगे। अब हमें बोला जाए कि फाइंड करो ए बी और सी को, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, बी जो है वो बी को सेम करना है। बी को सेम करने के लिए हम जो है वो इसको क्या करेंगे, कई बार ऐसे होगा, देखो सबसे पहले तो सिंपल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले देखो अगर हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 9 है तो वो भी 9 हो जाएगा, तो हमारा जो है वो बी जो है वो 9 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जो है, जैसे देखो 3 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाएगा, लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा होगा, ठीक है। एक को नहीं कर सकते हम, फिर पूरे को करना होगा, तो हम पूरे को करते हैं, ठीक है। पूरे को अगर हम करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 12:3 9 हो गया, ठीक है, 12:9 हो गया और नीचे 9 जो है वो वैसा ही वैसा रहेगा, तो 9:2 जो है वो 16 हो गया नीचे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारी 12 आ गई, बी जो है वो अब कॉमन आ गया, बी 12:9:16, ठीक है। तो ए इज टू बी इज टू, ये हो गया ए इज टू बी इज टू सी जो है, तो इनकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी, ठीक है, ए की इतनी, बी की इतनी और सी की इतनी। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने वाली ये थी कि देखो बी जो है वो, बी हमारे डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है कि इनको जो है वो बराबर लाना है।
कई बार ऐसे होगा कि इसको मल्टीप्लाई करके ये इसके बराबर आ जाएगा, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके हम इसके बराबर आ जाएंगे। कई बार इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बराबर नहीं होगा, उस केस में हमें क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे के साथ, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन करना सिर्फ एक के साथ नहीं है, हमें जो है वो पूरी, फिर जैसे 4:3 है तो उसको हमने जैसे इसके साथ करना होगा तो पूरे को जो है वो उसी के साथ जो है वो करेंगे। तो उस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसकी रेशियो क्या होगी, a:b:c कितना होगा, ए हमारा 12 होगा, बी हमारा 9 होगा और सी जो है वो हमारा 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। a:b आ गया, देखो ये हो गया हमारा a:b, ठीक है। तो a:b कितना है हमारा 2:5 और b:c जो है वो 10:5। तो हम इसका सीधा लिखते हैं ना कि a:b b:c, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं कितना हो गया ये हमारा 2:5, पहला आ गया 2:5 और फिर आ जाएगा 10:5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 10:5, ठीक है, 10:5। अब देखो इसको, इसमें भी वैसा ही केस है, इसमें क्या है, 5 को अगर हम 2 के साथ करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सिर्फ 5 को थोड़ी करेंगे, इसको भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 4 हो गया, ठीक है, 2 × 4 हो गया, 5 × 10 हो गया और नीचे वैसा का वैसा ही रहेगा 10:5। तो ये हो जाएगी हमारी 4:10:5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। ए जो होगा वो हमारा इसके बराबर होगा, बी हमारा 10 होगा और सी जो है वो हमारा 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना यार, ये उसमें से थोड़ी जो है वो कम्प्लेक्सिटी है, पहले जो था बिल्कुल सिंपल था उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ठीक है। क्योंकि हमारा यही रहता है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे, किसी भी चीज़ को करें, तो हमें जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स लेवल तक जो है वो हमें जाना होगा। तो सबसे पहले हमने सिंपल किया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा दूसरा कहता है कि a:b जो है वो हमारे 2:1 है, b:c हमारे 3:2 है, c:d हमारे 3:4 है, फिर d:e जो है वो 5:2 है। तो फाइंड a:b:c:d:e की वैल्यू निकालो। देखो ये कैसे है, पहले हम इनको ही लेते हैं, a:b, b:c, ठीक है, फिर c:d, फिर d:e, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो a:b हो गया, फिर b:c, फिर b के नीचे b और b:c, फिर c:d, c के नीचे c:d हो जाएगा, फिर d:e, फिर d के नीचे d लिखो और e:e हो गया। तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो हमें कैसे लिखना है, a:b कितना है हमारा 2:1, तो हम लिख देंगे 2:1 आ गया हमारा। फिर b:c 3:2, अब देखो b के नीचे हमने 3 लिखना है, ठीक है। तो देखो 3:2 हो गया हमारा, 3:2 हो गया हमारा bc। फिर आ गया c:d, c:3:4, तो इसके नीचे 3 लिखेंगे, 3:4 आ गया। फिर उसके बाद d:e, 5:2, 5 इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, तो 5:2। तो इसके बेसिस पे अगर हम इनको जो है वो लिखेंगे तो कुछ इस टाइप की जो है वो हमारे पास डायग्राम जो है वो बनेगी। अब हमने कैसे करना है, देखो इनको, इनकी हमने, हमें क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है ना a:b:c:d और e की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो इनको आगे फिल करना है, जैसे यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है कुछ, फिर इसके नीचे यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, फिर इसके नीचे भी लिखना, इसके भी नीचे भी लिखना, फिर इसके नीचे लिखो, फिर 3 के नीचे लिखो, फिर इसके नीचे लिखना है। हम क्या लिखेंगे जहाँ पर, कि जिससे जो है वो हमारी ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। हम क्या करेंगे, देखो ये अगर एक है ना, तो हमने आगे आगे लास्ट तक जो है वो एक तक ही जाना है, इसके सामने तक। तो हम लिख देते हैं एक हो गया, ठीक है, इसके ऊपर भी हो गया, इसके ऊपर भी हो गया, ये 2 है तो इसके ऊपर भी हम, इसके आगे भी 2 लिखेंगे और इसके आगे भी 2 लिखेंगे, ये 4 है यहाँ पर भी 4 ही लिखेंगे, ये 5 है, 5 के पीछे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, इसके ये 3 है तो पीछे तक 3 ही जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3, ये भी हमारा 3, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर भी हमारा 3 ही रहने वाला है, यहाँ पर 5 है तो हमने 5 लिखना है, ठीक है, ये आ गया 5 और ये आ गया 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, देखो दो, इसको हमने करना मल्टीप्लाई नीचे की तरफ, 2 × 6, 6 × 18, 18 पाए कितने होते हैं, 18 पाए हमारे होते हैं 90, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 90 आ जाएगी, 1 × 3, 3 × 9, 9 × 5, 45, तो 45 आ गई हमारी बी की वैल्यू, ठीक है, और 2 × 2, 2 × 6, 6 × 5, 5 × 3, ठीक है, 3 हो गई हमारी सी की, और डी की आ जाएगी 5 × 2, 2 × 4 = 40, ठीक है, तो 40
एंड देन 2 × 2 = 8 × 16, तो ये हो जाएगी हमारी ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहां से हम ये बता सकते हैं कि a इज इक्वल टू 90, b इज इक्वल टू हमारा 45, c हमारा हो जाएगा 30, एंड देन d जो है वो हमारा हो जाएगा 40, एंड देन e जो है वो हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो हमने जो है वो इसके बेसिस पे देखो ये वाली ट्रिक लगा के हमें जो है वो इनकी प्रॉपर ए बी सी जो है वो इनकी वैल्यू जो है वो उसका पता चल गया। अगर हम यहां से देखते यहां से हमें कंफ्यूजन होती, क्योंकि देखो यहां पर बी की वैल्यू 1 है, यहां पर बी की वैल्यू 3 है, यहां पर सी की वैल्यू 2 है, यहां पर सी की वैल्यू 3 है, ठीक है, यहां पर डी की वैल्यू 4 है, यहां पर डी की वैल्यू 5 है, तो यहां से कंफ्यूजन होती। तो इस टाइप के से करके जो है वो हम इनकी वैल्यूज जो है वो प्रॉपर वैल्यू का पता जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दूसरी जो है वो एक और जो है वो वेरिएशन इस क्वेश्चन में जो है वो मिलेगी हमें। कहता है कि इन अ गार्डन, एक गार्डन है, द रेशियो ऑफ अ कोकोनट ट्रीज, ठीक है, द रेशियो ऑफ अ कोकोनट ट्रीज टू दैट ऑफ मैंगो ट्रीज इज 5:6, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 121, देन हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज आर देयर इन द गार्डन। क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास गार्डन है, ठीक है, एक हमारे पास गार्डन है, ठीक है, इस गार्डन में टोटल कितना है, 121 जो है वो ट्री है, जिसमें से और जिनकी रेशो कितनी है, कुछ मैंगो के हैं और कुछ जो है वो हमारे पास कोकोनट हैं, और उनकी रेशो कितनी है, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये आ गए कोकोनट के, COCONUT, ठीक है, कोकोनट हो गया और मैंगो के ट्रीज हैं, ठीक है, मैंगो के ट्रीज हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं, 121, टोटल हो गए हमारे पास 121। कोकोनट के देखो, कोकोनट ट्रीज एंड मैंगो ट्रीज 5:6 जो है वो इनकी रेशियो है, रिस्पेक्टिवली दिखा है, तो पहले के लिए पहला और दूसरे के लिए दूसरा, मतलब कोकोनट ट्रीज के लिए 5 और मैंगो के लिए 6, कोकोनट 5 और उसके लिए जो है वो मैंगो ट्री के लिए 6 है। देखो टोटल नंबर इतने हैं, उसने बोला है हमें क्या निकालना है, देन हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज, तो कोकोनट ट्रीज जो है वो कितने होंगे, रेशियो उसने दी है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज जो है वो उनके बारे में बताना है। देखो हमें क्या करना है, ये जो हमें उसने पूछा होगा हमें तो वही बताना है ना, आंसर हमें वही बताना है, लेकिन हमें निकालना जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज उसने दिए हैं, हमें मैंगो भी आना चाहिए कि मैंगो के कितने ट्रीज हैं उसमें और कोकोनट के कितने ट्रीज हैं उसमें, तो हम जो है वो इसको वेरीफाई करके जो है वो छोड़ेंगे क्वेश्चन को। देखो ये रेशो उसने दी है 5:6, 6 और 5 जो है वो कितने होते हैं, 11, ठीक है, तो 11 यूनिट की वैल्यू हम लिख देंगे, टोटल कितना है 121, ठीक है, 11 यूनिट की वैल्यू 121 होगी, यहां से एक यूनिट की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी, 121/11 हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज 11 × 11 और 11 × 11 = 121, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 11 हो गई। अगर एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 11 होगी तो उसने बोला कि कोकोनट ट्रीज कितने हैं, ठीक है, तो 5 × 11 करेंगे हम, ठीक है, तो 5 × 11 करेंगे हम, तो 11 × 5 कितना हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे, ठीक है, तो कोकोनट ट्रीज जो है वो वहां पर कितने होंगे, 55 कोकोनट ट्रीज जो है वो उस गार्डन में होंगे। अगर हमें पूछता कि मैंगो ट्रीज जो है वो गार्डन में कितने होंगे, तो 6 × 11 कर देंगे हम, ठीक है, तो ये 6 यूनिट हैं, तो इंटू 11, एक यूनिट की वैल्यू जो है वो 11 है, तो 6 × 11 11 × 60 जो है वो हम वहां पर जो है वो मैंगो ट्रीज हैं, ठीक है। अगर देखो उसने टोटल 121 बोला था, अगर हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, देखो 66 ये हो जाएंगे और 55 वो हो जाएंगे, ठीक है, 6 × 5 = 11, 1 + 5 = 6 और 6 = 12, 121 हो गए ना टोटल, 121 बिल्कुल टोटल 121 जो कि उसने हमें बोला था। तो इसका आंसर उसने पूछा क्या है हमें कि हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज आर देयर इन द गार्डन, तो गार्डन में कोकोनट ट्रीज कितने हैं, तो 11 × 55, तो 55 है टोटल कोकोनट ट्रीज, तो ये इनका इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द प्राइज ऑफ अ स्कूटर एंड अ टीवी। देखो एक स्कूटर है और एक टीवी है, उनका जो प्राइस है उनकी रेशियो क्या है, 1:7 और 5:1 जो है, ठीक है, स्कूटर की 7 है और टीवी की 5 है, तो ये हमारे पास स्कूटर हो गया और ये हमारे पास टीवी हो गया, इनकी रेशियो हमारे पास 7:7:2 हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। कहता है कि इफ द स्कूटर कॉस्ट ₹8,000 more than a TV, देखो टीवी से अगर स्कूटर की कॉस्ट जो है वो 8,000 जो है वो ज्यादा है, 8,000 जो है वो ज्यादा है, देन अ टीवी, देन द प्राइस ऑफ टीवी सेट इज, फिर टीवी सेट जो है उसका प्राइस कितना होगा। देखो इसको हम क्या करेंगे, 7 यूनिट इसके हैं और ये 5 यूनिट जो है वो उसके हैं। इफ द स्कूटर कॉस्ट इज 8,000 more than TV, देखो
ये टीवी से जो है वो कितने यूनिट ज़्यादा है, तो 2 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है, 2 यूनिट ज़्यादा है, और 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 8000, क्योंकि ये 8000 जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है देन टीवी से, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 हो जाएगी, ठीक है, तो 8000 हो जाएगी 2 यूनिट की वैल्यू। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमें पता चल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 / 2 हो जाएगा 4, तो 4000 जो है वो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। उसने पूछा है देन फाइंड द प्राइस ऑफ टीवी सेट, तो टीवी सेट का हम निकाल देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4 है, 4000 है, तो 5 × 4 करेंगे तो इज इक्वल टू 5 × 20, ठीक है, तो टीवी सेट जो है वो उसकी कितनी वैल्यू होगी, 20000 होगी, ठीक है, कितनी होगी, 20000 होगी। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन पूछेगा पूछने वाला कि स्कूटर जो है तो उसकी जो है वो कितनी होगी, ठीक है, तो स्कूटर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 7 × 28, ठीक है, तो उसकी जो है वो 28000 जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो होगी, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा होगा हमें उसी का आंसर देना है, आंसर इसका जो है वो 20000 जो है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इन 50 लीटर्स ऑफ मिल्क, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, क्या है हमारे पास, एक मिल्क है और एक हमारे पास वाटर है, टोटल कितना है हमारा 50 लीटर है, कितना है 50 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:5, ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड, ठीक है, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर सो दैट द रेशियो बिकम्स 5:3। क्वेश्चन हमें कहता है कि 50 लीटर टोटल है, मिक्सचर है किसका, मिल्क और वाटर का है, जिसमें रेशियो जो है वो मिल्क की और वाटर की 3:5 है, तो मतलब मिल्क जो है वो 3 है, 3 रेशियो है उसकी, और वाटर की रेशियो जो है वो 5 है। कहता है कि हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव्ड, हमें निकालना है क्या, कितना वाटर हम निकालेंगे जिससे मिक्सचर जो है वो बन जाएगा 5:3, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, 5:3 बन जाएगा, तो कितना हम वाटर जो है वो उसमें से निकालेंगे। देखो तो हमें जो है वो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इसमें इसका जो मिल्क जो है तो उसकी रेशियो जो है उसको हम बराबर करेंगे, तो इसको हम बराबर कैसे करेंगे, इसको बराबर हम कैसे करेंगे कि देखो हम क्या करेंगे, देखो जैसे मैंने पहले बोला था ना कि अगर ऊपर नीचे हैं तो इनको जो है वो एक को प्लस मतलब मल्टीप्लाई करके दूसरे के बराबर लाना है, इन दोनों को अगर हमने बराबर लाना है तो ये तो एक दूसरे के साथ बराबर होंगे नहीं, अगर हम एक को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, देखो 3 × 2 = 6 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करें, इसको हमने इसके साथ करना, इसको हमने इसके साथ करना, लेकिन करना हमें एक को नहीं बल्कि पूरी रकम को, अब देखो इसको जो है वो हमें इसके साथ करना, ताकि देखो कितना इसको हमने इसके साथ करना, तो 5 के साथ इसको करेंगे हम, ठीक है, और ये जो पूरी जो है तो इसको हम करेंगे 3 के साथ, इसके साथ करेंगे, अगर हम इसको करेंगे बराबर लाने के लिए हो जाएगा, देखो 5 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा, अब इसको भी करना पड़ेगा, 5 × 5 हमारे पास 25 हो गया, अब इसको 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो कहने का मतलब कि 15 और 15 मतलब मिल्क की जो रेशियो जो है वो मिल्क बराबर हो गया ना, तो यहाँ से हम जो है वो बता सकते हैं कि उसकी जो है वो वाटर जो है वो कितना जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव, तो वाटर जो है वो उसको हमें कितना जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले देखो 25 और 15 कितने होते हैं, 25 और 15 होते हैं हमारे पास टोटल 40 यूनिट हो गए, ठीक है, 40 यूनिट हो गए, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 50 हो जाएगी, 40 यूनिट इज इक्वल टू 50, जिससे 1 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे, 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 50/40 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, अब ये 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 50/14 ये हो गई। अब उसके बाद देखो 25 में से कितना वाटर हम रिमूव करेंगे, 25 में से 9 निकाल लेंगे, इस 25 में से 9 निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 16, ठीक है, 16 बचेगा ना, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 16 यूनिट की वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू 16 × 50/40, ठीक है, 16 × 50/40, अब देखो 8 दूने हो जाएंगे हमारे 16 और 20 दूने हमारे 40 हो जाएंगे, अब 4 दूने हमारे हो जाएंगे 8 और 10 दूने 20 हो जाएंगे, तो ये कितना था, हाँ 50, हाँ बिल्कुल 50 × 4 कितना हो जाएंगे हमारे, 4 × 2 = 8 ऐसे ही है ना, हाँ, तो अब ये कैसे हो जाएगा, देखो ये 0 गया, ये 0 गया, बिल्कुल गया, और 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 4 × 5 कितने हो जाएंगे, विच इज इक्वल टू 20 हो जाएंगे, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 20, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया,
कहता है कि हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव, तो वाटर जो है वो हमें कितना जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, 20 लीटर वाटर जो है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा उसमें से। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या था इंपॉर्टेंट चीज, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले उसने बोला 50 लीटर है टोटल मिक्सचर और उसकी रेशियो जो है वो ये है, ठीक है। तो रेशियो हमने इसकी ये बता दी, हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव जो सो दैट रेशियो बिकम्स, रेशियो बनेगी हमारी 5:3, तो रेशियो हमने ये कर दी। सबसे पहले हमें मिल्क जो है वो उसको बराबर करना है, मिल्क को बराबर करने के लिए हमें इसको जो है वो इसके साथ किया और इसको जो है वो इसके साथ, लेकिन इसको नहीं करना, पूरी रकम को जो है वो हमें करना पड़ेगा। जैसे हमने पूरी को किया तो हमारे जो ये टोटल आए तो टोटल हमारे 15 और 25 जो है वो हमारे 40 यूनिट हो गए। तो 40 यूनिट इज इक्वल टू हमें टोटल पूछा था 50 यूनिट हो गए, 50 यूनिट हो गए, तो एक यूनिट की वैल्यू 50/40 आ गई। फिर इसमें से कितना वाटर हम रिमूव करेंगे, देखो 25 में से हम 9 को हम माइनस करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 × 50/40 हम करेंगे तो इसको कट काट के काट शाट के हमारे पास 20 लीटर जो है वो बच जाएगा, तो 20 लीटर जो है वो हम वाटर जो है वो उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है तो ये उसी के बेस्ड पे है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, वाटर कितना वाटर जो है वो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 30 लीटर्स ऑफ 25% एसिडिक सोल्यूशन। देखो टोटल कितना है हमारे पास 30 लीटर, टोटल कितना है 30 LTR, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ 30 लीटर है, जिसमें 25% एसिडिक सोल्यूशन है, 25% एसिडिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब उसमें क्या है, एसिड हो गया एक और एसिड प्लस उसमें क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन एसिड और वाटर हो गया, 25% बोला है तो इसका मतलब एक हमारे पास एसिड हो गया, ACID एसिड हो गया, एसिड हो गया, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास वाटर हो जाएगा, ठीक है, एसिड और वाटर हो गया। उसने पूछा 30 लीटर ऑफ 25% एसिडिक सॉल्यूशन टू मेक 30% जो है वो एसिडिक। देखो सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन कितना है 25%, ठीक है, उसको बनाने के लिए 30% एसिडिक बनाने के लिए हमें कितना वाटर जो है वो उसमें से रिमूव करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में उसने पूछा है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एसिडिक कितना है 25%, तो एसिड कितना है इसमें 25% जो है वो एसिड है। 25% होगा तो हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, 100 में से 25% निकाल दिया तो पीछे भी कितना बचेगा, 75% उसमें पानी होगा, बिल्कुल होगा। उसने बोला कि हाउ मच वाटर शुड बी सब्ट्रैक्ट, कितना पानी जो है वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, जिससे जो है वो एसिड जो है वो कितना बचेगा 30%, तो वो कितना बचेगा 30% जो है वो एसिडिक बचेगा, तो ये आएगा 30% एसिडिक बचेगा। 30% अगर एसिडिक बचेगा तो वाटर कितना बचेगा भाई, 100% हर एक चीज है, उसमें से 30% निकाल तो पीछे बचेगा हमारे पास 70%। तो ये हमारा सबसे पहले ये हमने क्वेश्चन के बेसिस पे हमने इस चीज को लिख लिया, ये बोला सबसे पहले। उसने बोला हाउ मच वाटर शुड बी रिमूव, ठीक है, वाटर शुड बी रिमूव, वाटर को हमने निकालना है तो एसिड को हमें बराबर करना पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन है इसमें किसमें, ये रेशियो में, तो हमने रेशियो में हमने सबसे मिनिमम नंबर जो होगा तो उसमें उस चीज को सबसे पहले कन्वर्ट करना है। 25 × 25 होता है, देखो 25 × 25 और 25 × 75 हो गए, तो 1:3 इसकी रेशियो आ गई। अब इसकी देखो 10 × 3 हो गए, 10 × 3 करेंगे और 10 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 10 × 7 = 70 और 10 × 3 हो गए, तो इसका मतलब इसको हमने रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉमन ये हो गया, इनको काट दो और 3:7 जो है वो इनकी रेशियो आ गई, ये वाली 3:7 ये आ गई, 3:7 ये आ गई और 1:3 जो है ये आ गई। अब हमने क्या करना है कि इनको जो है वो बराबर, एसिड को जो है वो बराबर बनाना है, तो इसको बराबर बनाने के लिए हम क्यों ना इसको जो है वो 3 के साथ करें, तो ये बराबर हो जाएगा, बिल्कुल 3 के साथ करेंगे, 3 × 3 हो जाएंगे और 3 × 3 = 9 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, हो गए। अब देखो 9 और 3 कितना होते हैं हमारे पास 12, 9 और 3 कितना होते हैं हमारे पास 12, तो 12 यूनिट टोटल हो गए 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 30 लीटर है ना, तो 30 हो जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 30 × 12 हो जाएगी, ये आ गई हमारी एक यूनिट की वैल्यू, ठीक है 30 × 12 हो गई हमारी, बिल्कुल। उसके बाद हमने क्या करना है, देखो उसने बोला हाउ मच वाटर शुड बी वो किया जाएगा, देखो इसमें कितना डिफरेंस है 7 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 5 यूनिट का डिफरेंस है ना, 5 यूनिट का डिफरेंस है, तो हमने 5 यूनिट का निकालने के लिए 5 यूनिट का इज इक्वल टू 5 × 30/12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटना है जब हमने 3 × 5 कितना हो जाएगा
एक मिनट, इसमें हमने एक गलती कर दी, गलती ये कर दी, इसमें हमने ये वाला लेना था, ये वाला ले लिया, ये हमने पहले वाला ले लिया, तीन ले लिया हमने, तीन ही लेना था, ये हमने जो नई निकाली थी ना रेशो, तो नई थी हमारी नाइन, ठीक है, तो नाइन में से सेवन का कितना आता है, दो, ठीक है, तो दो यूनिट है, यहाँ पर पाँच नहीं लेना है, यहाँ पर दो यूनिट लेना है, तो दो के साथ करते हैं, ठीक है, दो के साथ हमें करना है, ठीक है, तो दो एकम दो और छः दूने बारह हो जाएगा, ठीक है, दो एकम दो छः दूने बारह, अब छः एकम छः पाँचे थ्री हो जाएंगे, ठीक है, तो टोटल कितना आ गया हमारा आंसर, आंसर हमारा आ गया 5 लीटर, ठीक है, तो 5 लीटर जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 लीटर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, कि उसने बोला कि 5 लीटर पानी हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे जो एसिडिक सॉल्यूशन जो है, एसिड जो पहले 25% था, जिसमें वाटर जो था वो 30% था, तो वो हमारा बाद में जो है वो अगर हम 5% वाटर जो है वो 5 लीटर वाटर जो है वो उसमें से निकाल देंगे, तो हमारा जो एसिडिक सॉल्यूशन जो है, एसिड जो है वो हमारा 30% हो जाएगा, एंड देन वाटर जो है वो हमारा 70% हो जाएगा, मेन इसका आंसर जो है तो वो हमारा 5 लीटर है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें हमसे ये गलती हो रही थी कि हमने जो था ये पहले वाली रेशो जो थी तो उसको पिक कर लिया था, हमें जो थी वो कौन सी लेनी थी बाद में, जो इसको जो है वो बराबर करने के बाद जो है वो आई, जो कि 9 थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ वेसल कंटेन्स 40 लीटर मिल्क, ठीक है, कितना है, एक वेसल है उसमें कितना मिल्क है, 40 लीटर जो है वो मिल्क मिक्सचर है, मिल्क का और वाटर का, ठीक है, इन विच द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 30%, ठीक है, देखो एक वेसल है जिसमें 40 लीटर है, क्या किसका मिक्सचर है हमारे पास, मिल्क का है और वाटर है, ठीक है, सबसे पहले ये आ गया हमारे पास मिल्क, मिल्क ले लो पहले और फिर ले लो हम वाटर ले लेते हैं, अब मिल्क और वाटर का कितना है, मिल्क का है हमारे पास 30%, ठीक है, तो 30% अगर हमारे पास मिल्क होगा तो हमारे पास वाटर कितना होगा भाई साहब, 70% होगा, क्योंकि 70 और 30 100% होते हैं, ठीक है। कहता है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हमें ऐड क्या करना है, वाटर करना है, सो दैट द परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम्स 20%, मिल्क की परसेंटेज जो है वो 20% जो है वो हो जाए, ठीक है, तो मिल्क की परसेंटेज कितनी हो जाए, 20% हो जाए, ये बोला उसने, मिल्क की परसेंटेज अगर 20% हो जाएगी तो वाटर की कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी ना, 80 और 20 100 होते हैं, 30 और 70 100 होते हैं, बिल्कुल, इसको हमने रेशो में कन्वर्ट करना है, तो देखो रेशो में कन्वर्ट करेंगे हम इसको जब, ओके, तो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, यार मुझे एक्चुअली फ़ोन आ गया था तो फोन में थोड़ा बिजी हो गया था, मुझे सब कुछ भूल गया। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि अ वेसल कंटेन्स 40 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 30%, वही कि टोटल जो है वो वेसल में कितना है, 40 लीटर मिक्सचर है, जिसमें परसेंटेज जो है वो मिल्क की कितनी है, 30 लीटर है, ये मिल्क की परसेंटेज है और वाटर की 70 हो जाएगी। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, बट एड कितना वाटर जो है वो उसको हम ऐड करेंगे, सो दैट द परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम्स 20%, जिससे मिल्क की परसेंटेज जो है वो 20% जो है वो हो जाए। सबसे पहले हमने इसको जो है वो किसमें करना है, रेशो में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो 10 3 3 हो जाएंगे, 10 7 70 हो जाएंगे, ठीक है, तो 10 इनमें से कॉमन था तो 3:7 हो गया, 10 2 20 हो गए और 10 8 80 हो गए, तो इट मीन्स 2:8, लेकिन ये आगे भी फर्दर भी ये हो सकता है, 1 2 2 देखो 2 1 2 और 4 2 8, तो 1:4 जो है ये वाली हमारी हो गई, 1:4, ठीक है, ये 1:4 हो गई और ये हमारी हो गई ये 1:7, ठीक है, 3:7 ये हो गई और ये 1:4 जो है ये वाली हो गई, ठीक है, बिल्कुल। अब हमें उसने बोला है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर जो है वो हम ऐड करेंगे, तो भाई साहब ऐड हम अगर वाटर करेंगे तो हमें इसको बराबर करना है ना, इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको 3 के साथ करेंगे, इसको जब हम 3 के साथ करेंगे तो 1 3 1 3, ठीक है, ये आ गई 3 3 1 3 और 4 ये है ना 4, तो 4 3 हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो हो गया जी बराबर, ये वाला बराबर हो गया। देखो इनमें अब कितना डिफरेंस है, ठीक है, 7 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 यूनिट जो है, तो 5 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है, तो 5 यूनिट जो है, तो ये तो डिफरेंस इनके बीच में है, ठीक है, ये तो इनके बीच में है। अब देखो 7 और 3 कितना होते हैं, 7 और 3 कितने होते हैं, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40 लीटर उसने बोला है, ठीक है, कितना बोला है 40 लीटर, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 लीटर हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/10 हो जाएगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज 4, तो 1 की हो जाएगी 4, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारी 1 यूनिट
इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। तो फिर इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, 5 यूनिट का, 7 और 5 12 होते हैं ना, तो 5 यूनिट का डिफरेंस है। तो उसने बोला कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना पानी जो है वो ऐड करना पड़ेगा, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 5 चौके 20 हो गए, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, तो 20 यूनिट जो है वो हमें जो है वो उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 20 यूनिट जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कितना, 20 जो है वो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों जो है वो क्लैरिफिकेशन ज़्यादा होगी, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसकी ये वैरायटी ही इसकी अलग है, ठीक है, वेरिएशन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले कहता है कि द साइड ऑफ अ ट्राई एंगल आर इन द रेशो, ठीक है, साइड्स जो हैं वो ट्राई एंगल की, उनकी साइड्स जो हैं वो उनकी रेशो क्या है, 1/2, 1/3 और 1/4 जो है वो रेशो है, ठीक है, एंड इट्स पैरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर होता है, पैरीमीटर इज इक्वल टू साइड्स होती हैं, ठीक है, पैरीमीटर क्या होता है कि साइड्स होती हैं सारी, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स बोल सकते हैं पैरीमीटर, ठीक है, PERIMETER, पैरीमीटर हो गया मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है, तो सारी साइड्स का सम जो होता है उसको हम पैरीमीटर बोलते हैं। तो उसने बोला पैरीमीटर जो है, सम जो है वो सारी साइड्स का 104 सेंटीमीटर है, साइड्स जो है वो किस रेशियो में है, 1/2, ये इतनी इतनी, मतलब यहाँ से हम देखो दिखते हैं कि देखो S1 साइड 1, साइड 2 और साइड 3 हो गई हमारी, साइड 1 की रेशियो कितनी है, 1/2, साइड 2 जो है वो उसकी कितनी रेशियो है, उसकी है 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, और साइड 3 जो है वो उसकी रेशियो है 1/4 है, ठीक है, साइड 3 की रेशियो कितनी है, 1/4 है। अब हमने क्या करना है, इनका सबसे पहले हमें LCM निकालना, LCM कैसे निकालते, मैंने आपको बताया है कि जैसे ये आ गया 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया और 4 हो गया, इनका LCM कैसे निकालेंगे, 2 के साथ करो, 1 दूना दूना 3 नहीं जाएगा, 2 दूने 4, ठीक है, फिर 2 के साथ करो, ठीक है, 3 रहेगा, 1 दूना दूना, ठीक है, 3 दूने 6 दूने 12, तो 12 इनका LCM आ गया, 12 इनका LCM आया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 नीचे आ गया, ठीक है, तो कितने दूने 12 होते हैं, 6 दूने 12 होते हैं, ठीक है, 6 दूने 12 होते हैं और 4 त्रिया 12 होते हैं और 3 चौके 12 होते हैं, ठीक है, 3 चौके 12 होते हैं, तो ये हमारा आ गया। अब हमें 12 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो है वो LCM जो है वो इनका 6, 4 और 3 जो है वो ये आ गए हमारे, कितने आ गए, 6 हो गया, 4 हो गया और हमारा 3 जो है ये आ गए हमारे साइड 1, साइड 2, साइड 3, ठीक है, टोटल कितने आ गए हमारे, 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो टोटल कितने यूनिट हो गए हमारे, 13 यूनिट, ठीक है, तो 13 यूनिट जो है वो उनकी वैल्यू हो गई, ठीक है, उनकी वैल्यू हो गई 104 सेंटीमीटर, कितनी होगी, 104 सेंटीमीटर जो है वो उनकी वैल्यू होगी, एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 104 बाय 13 हो जाएगी, ठीक है, तो 104 बाय 13 हो जाएगी, 13 एकम 13 और 13 अठा 104 हो जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर जो है वो एक यूनिट की हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। उसने बोला कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, अब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है इनमें से, 6 है, 4 है, 3 है, तो 6 है, तो 6 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है, 6 यूनिट ये है, तो 8 सिक्के कितने हो जाएंगे, 48, ठीक है, तो 8 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज 48 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो 48 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है, लॉन्गेस्ट साइड है, लेंथ है लॉन्गेस्ट साइड की, ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है वो आ गया। अगर हमें पूछता कि द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड कौन सी होगी, 3 वाली होगी, और 8 त्रिया कितना हो जाएंगे, 24, तो 24 सेंटीमीटर जो है वो शॉर्टेस्ट वाली होगी, मिडिल वाले की कितनी होगी, मिडिल वाले की होगी 8 चौके 32, तो 32 सेंटीमीटर जो है वो मिडिल वाले की होगी, ठीक है, तो ये इसका आंसर, इसका आंसर क्वेश्चन के बेसिस पे इसका आंसर क्या है, हमारा 48 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ है किसकी, लॉन्गेस्ट साइड की, ठीक है, ये था क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी, ठीक है, चार बंदे हैं हमारे पास और उनमें जो है वो पैसों की एक रेशो है उसको बेच दिया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशो क्या है, 5:2, 2:4:3, ठीक है, देखो ए आ गया, बी आ गया,
सी आ गया और डी आ गया, चार बंदे हैं, इनको कुछ पैसे जो है वो भेज दे दिए, ठीक है, और उन पैसों की जो रेशो जो है वो रेशो क्या है, 5, ए को 5 रेशो में दिए और बी की रेशो है 2, सी की है इज टू 4 एंड देन डी की है हमारी 3, उसने बोला 3 है ये, ठीक है, उसने बोला कि इफ़ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, ठीक है, तो डी से अगर सी जो है वो 1000 जो है वो ज़्यादा लेता है देन व्हाट इज़ बी शेयर, तो बी का शेयर कितना होगा। देखो डी 3 यूनिट लेता है, सी जो है वो 4 यूनिट लेता है, इसका मतलब इनमें कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का डिफरेंस है इसमें, और उसने बोला क्वेश्चन में कि इफ़ सी गेट्स 1000 मोर देन डी, तो इसका मतलब डी से 1000 वो ज़्यादा ले रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 1000 हो गई, ठीक है। देन उसने क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज बी शेयर, तो बी का शेयर कितना होगा, बी के दो यूनिट है ना, तो 2 यूनिट इंटू 1000 कर दो, तो इज इक्वल टू हमारे पास बी का शेयर कितना हो जाएगा, 2000 जो है वो आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को हम जो है वो जब हम पेपर में देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों होते हैं कंफ्यूज, क्योंकि हमने इसको पहले जो है वो इसको ट्राई नहीं किया होता है, ट्राई तो हमने किया होता है लेकिन समझा नहीं होता है, अच्छे से समझ लें अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को तो बड़ा ही मजा आता है क्वेश्चन को करने में, और फ्री के मार्क्स जो है वो हमें पेपर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, 3 बंदे हैं, उनकी सैलरी है किस रेशियो में है, 2:3:5, इफ़ द इंक्रीमेंट ऑफ, इसमें वेरिएशन है इस क्वेश्चन में, इफ़ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर अलोड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ देयर सैलरी, ठीक है। देखो एक है ए बंदा, एक है बी बंदा, एक है सी बंदा, ठीक है, उनकी सैलरी जो है वो किस रेशियो में है, 2:3:5, ठीक है, तो ये आ गई उनकी रेशियो। कहते हैं कि इफ़ द इंक्रीमेंट जो है वो 15%, 10% और 20%, मतलब इसके ऊपर 15%, इसके ऊपर 20% और सॉरी इसके ऊपर 15%, इसके ऊपर 10% और इसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो इंक्रीमेंट लग रही है। अब हमने कैसे निकालना है इनकी मतलब इसकी परसेंटेज को, ठीक है, कि कितने परसेंट। देखो हम जो है वो सपोज करते हैं, मैथ को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर हम सपोज करते हैं, यहाँ पर भी हम सपोज करेंगे तो हम जो है वो देखो अगर हमने 10, 20 और 15% इसको बढ़ाना है तो हम सिंपल वे में कहाँ से कर पाएंगे, जैसे कोई 100 एक चीज़ है तो 100 में 10% हम जो है वो उसको आसानी से कर पाएंगे, तो क्यों ना हम इसके साथ एक जीरो लगा लें, इसके साथ एक जीरो लगा लें, इसके साथ एक जीरो लगा लें, मतलब तीनों के साथ लगा दिया, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, नहीं हुआ। हम एक और लगा देते हैं जिससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी, एक इसके साथ लगा लिया, एक इसके साथ लगा लिया और एक इसके साथ लगा लिया, बिल्कुल किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बिल्कुल नहीं की। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 500 हो गया, पहले में इंक्रीमेंट हुई 15%, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ ध्यान से देखना, हम परसेंटेज को दूसरे तरीके से भी करते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे, जब हम परसेंटेज पढ़ेंगे तो दूसरे तरीके से हम जो है वो किस तरीके से करना है, शॉर्टकट ट्रिक जो है वो बता रहा हूँ, जहाँ पे 10% को या फिर 1% को कैसे निकालते हैं, 10% 500 रुपया है हमारे पास, तो कोई बोले कि 500 का 10% कितना होगा, एक डिजिट के पीछे हमने पॉइंट लगा देना है, ठीक है, और जितना इस साइड बचेगा ना तो वो हमारा 10% हो जाएगा, ठीक है। जैसे 500 का 10% कितना है, 500 का 10% इसके पीछे हमने लगा दिया, तो पीछे कितना 50, तो 50 जो है वो हमारा 500 रुपये का 10% है। कोई मुझे पूछे कि बता भाई 500 रुपये का 15% कितना होगा, तो देखो इसके पीछे मैंने 10 लगाया, 10 हो गया अगर 50, ठीक है, 10% अगर 50 हो गया तो 50 का आधा 5%, देखो 10% अगर हमारा हो गया, 10% हो गया अगर हमारा 50, ठीक है, तो 5% कितना हो जाएगा, तो 50 का हाफ हो जाएगा ना, 50 का हाफ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 50 और 25 75 हो जाएंगे, 500 रुपये का 75 रुपये जो है वो हो जाएगा हमारा 15% हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो शॉर्टकट ट्रिक के साथ जो है वो इसको निकालते हैं। अब यहाँ पर उसने बोला है कि इंक्रीमेंट हो रही है और पैसे मिल रहे हैं, 15% मिल रहे हैं ए को, तो इसको 10% अगर मिलेंगे तो 20 रुपये, 200 रुपये में 20 रुपये और हो जाएंगे, 15% मिल रहे हैं, देखो 20 रुपये 10, अब 15% 5 और परसेंट है, तो इसका मतलब देखो 10% अगर मिल रहे हैं ना उसको तो 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उसको 15% उसको 5% और देंगे, 20 रुपये के अगर 10% 20 रुपये हैं तो 5% कितने होंगे, 10 रुपये, तो हो गए ना, ये हो गया 15%, 15% इज इक्वल टू 20 और 10, 30 रुपये हो गए हमारे,
तो 30 रुपये जो है वो इसमें ऐड हो गए, ठीक है। तो 30 रुपये इसमें ऐड हो गए, कितना हो गया 230 रुपये हो गए टोटल, ठीक है। तो इंक्रीमेंट के बाद इसके 230 रुपये हो गए, इसके ऊपर कितनी इंक्रीमेंट लगी 10%, तो सीधा ये तो सीधा हो जाएगा कि 30 रुपये इसको और मिली, तो ये हो जाएगा 330 रुपये हो जाएंगे। इसके ऊपर लगी 20%, ठीक है, 20% जो है वो इसके ऊपर लगी, 10% लगी, लगेगी इसके ऊपर इंक्रीमेंट, तो इसको मिलेगा 550 रुपये, लेकिन 20% तो 50 का डबल 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब 500 में प्लस 100 कर दो तो और कितना मिलेगा इसको, टोटल हो गया इसका 600, ठीक है, इसका 600 हो गया टोटल। इंक्रीमेंट के बाद इसको 330 मिल रहे हैं और इसको 230 मिल रहे हैं, ठीक है, अलोड रिस्पेक्टिवली इन देयर सैलरीज। देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, हमें क्या निकालना है, नई रेशियो कितनी होगी। नए रेशियो, जब हम रेशियो की बात करते हैं तो मिनिमम पॉइंट पे आना है हमने, फिर से कट कटाव करना है हमने। देखो ये जीरो तीनों में जाएगा, ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, बिल्कुल। अब देखो 23 हो गया, 33 हो गया और 60 हो गया, तो इनके बीच में इससे कम जो है वो नहीं होगा, ठीक है, कोई कॉमन नहीं होगा इसमें, तो ये इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 23:33:60 जो है ये हमारा आंसर जो है वो रहने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बताई, एक तो इसमें वेरिएशन थी, दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि इस क्वेश्चन में ट्रिक के साथ हमने 10% या 1% किस तरीके से जो है वो बढ़ाना है उसको, या फिर कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज इज 7:8, ठीक है। ये आगे बॉयज, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो इनकी रेशियो है 7:8, तो बॉयज की 7 हो जाएगी और गर्ल्स की वहां पर 8 हो जाएगी। इफ देयर परसेंटेज इंक्रीज इन अ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टू बी 20% एंड 10% जो है वो रिस्पेक्टिवली, उनकी अगर परसेंटेज जो है वो बढ़ती है, भाई साहब 7 से या 8 से हमें परसेंटेज बढ़ानी होगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना, हम क्यों ना इनके साथ, जैसे इसके साथ एक जीरो लगाएंगे, इसके साथ भी लगाएंगे, इसके साथ भी लगाएंगे, इसके साथ भी लगाएंगे, तो अब हम इसके 20% बढ़ाते हैं। देखो 10% अगर 700 का 10% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 20% कितना हो जाएगा, 7 × 14 बिल्कुल 140 हो जाएगा, 140 और बढ़ेंगे 700 में, 140 और बढ़ेंगे बिल्कुल, तो कितना हो जाएंगे 840 हो जाएंगे। इसमें कितना है 10% जो है वो गर्ल्स में जो है वो क्या हुआ, परसेंटेज इंक्रीज होती है 10%, तो 10% इसका कितना होगा 80, इसका मतलब 80 इसमें और बढ़ेंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 880, ठीक है। उसने बोला रिस्पेक्टिवली देन बट विल बी द न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितनी होगी, रेशियो में जाना है तो फिर से कटकटाव करना पड़ेगा, ये जीरो गया, ये जीरो गया। अब देखो 21 कितना हो जाएंगे हमारे पास, 21 × 84 होंगे, बिल्कुल होंगे, और 21 चौके हो जाएंगे यार, क्योंकि 20 चौके 80 हो जाएंगे, 21 चौके 84 हो जाएंगे, और 22 चौके हमारे पास, 2 चौके 8 हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 88 हो जाएंगे। कॉमन क्या है, 4 और 4, ये गया, तो हमारी रेशियो बच गई हमारी 21:22 जो है वो हमारी रेशियो जो है वो आ जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, न्यू रेशियो हमारी 21:22 जो है वो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी वेरिएशन है। इसमें कहता है कि द सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो 4 बंदे हैं, उनको जो है वो पैसे हमने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किस रेशियो में किए, 6:8:3:4, ठीक है, इस रेशियो में ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है, इनमें हमने पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किस रेशियो में, 6:8 में और 3 और 4 में, ठीक है। तो ये आ गई रेशियो, ठीक है, तो रेशियो का साइन बीच में हमने लगाना ही लगाना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्वेश्चन कहता है कि इफ बी गेट्स आरएस 500 मोर देन सी, ठीक है, तो बी जो है तो वो सी से जो है वो कितना पैसा, 500 रुपये जो है वो ज्यादा लेता है, ठीक है, 500 रुपये जो है वो ज्यादा लेता है, तो ये इससे जो है वो कितने यूनिट लेता है ज्यादा, 8 और 3 में कितना डिफरेंस होता है 5 का, तो 5 यूनिट जो है तो उसकी वैल्यू हम 500 लिख देंगे, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल जाएगा 500/5, तो दैट इज कॉल्ड एज 100, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 100 हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो उसने बोला देन
ठीक है, 500 मोर देन सी, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ शेयर्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जितने भी शेयर्स हैं तो उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो भाई साहब 600 हो जाएगा, 600 ये कमाता है और 800 ये कमाता होगा, 8 × 100 हो जाएगा 800, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है, तो इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 200 रुपये का आएगा। तो 200 रुपया हमारा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 200 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ इतने रुपए इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, ठीक है, देखो ये ए है, ये बी है और सी है। कहता है इन सच इफ वी डिक्रीज आर एस 15 रुपये हम डिक्रीज करेंगे फ्रॉम द शेयर ऑफ ए, आर एस 30 फ्रॉम द शेयर ऑफ बी एंड आर एस 50 फ्रॉम द शेयर ऑफ सी, देन द रेशियो ऑफ द रेशियो बिकम्स, फिर रेशियो जो है ये बन जाएगी फाइंड द शेयर ऑफ ई ए। तो ए का शेयर हमने निकालना है। सबसे पहले उसने बोला कि इतने पैसे हैं वो डिवाइड करना है इनके बीच में, लेकिन ये सब माइनस करके हमारे पास रेशियो बच जाएगी 3:2:7, ठीक है। तो रेशियो कितनी बचेगी, 3 और 2 एंड देन 7 जो है ये हमारी रेशियो जो है वो बच गई, ठीक है। 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 2 9, 9 और 3 12 यूनिट हो गए, ठीक है। तो 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 12 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। सबसे पहले उसने क्या बोला कि इफ वी डिक्रीज आर एस 15, ठीक है, 15 रुपये हमने इसको माइनस देने हैं, माइनस 15 इसको देने हैं, इसको हमने 30 रुपये माइनस देने हैं, माइनस 30, और इसको हमने माइनस 50 रुपये जो है वो कम देने हैं, 50 और 30 80 और 15 कितना हो जाएंगे 95। तो 2495 में से 95 निकाल देंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 2400 रुपया बचेगा। तो पार 12 ये रेशो जो है वो ये निकाल के है, तो ये रेशो के मुताबिक 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2400 हो जाएगी। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 डिवाइडेड बाय 12 × 12 = 24, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। पूछा क्या है हमें, उस चीज़ को देखना है। उसने बोला देन द रेशियो बिकम्स ये, फाइंड द शेयर ऑफ ए। अब ए का शेयर कितना होगा, 200 ये है तो 3 × 6, देखो 3 × 6, तो 3 × 6, तो ए का शेयर कितना होगा, 300, ठीक है, 600, क्योंकि 2 यूनिट जो है वो उसकी ए की वैल्यू है और 3 यूनिट इसको मिल रहे हैं, तो 3 × 600 प्लस 600 प्लस ये भी हैं, ये माइनस हो रहे हैं हालांकि, लेकिन ये भी तो इसी को ही मिलने थे ना, तो 600 प्लस 15, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएंगे हमारे पास, 615। हमने देखना है आंसर, आंसर में कई बार 600 होगा तो हमें 600 लिख देना है, 615 होगा तो 615 जो है वो लिख देना है। इतना तो यार जो क्वेश्चन डालने वाला होगा तो वो भी जानकार होगा, उसको भी तो पता होगा ना कि कौन सा जो है वो मैं डाल सकता हूँ, वो दोनों को तो डाल नहीं सकता 600 और 615 को, या तो वो 600 डालेगा या फिर 615 डालेगा। वो इसलिए डालेगा क्योंकि बच्चे को कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है इफ 559 इज डिवाइडेड अमंग 3 फ्रेंड्स, ठीक है, हमने 3 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, तो उनके बीच में हमने इतने पैसे जो है वो उसको डिवाइड कर दिए। इन सच दैट 4 times द अमाउंट रिसीव्ड बाई फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू 4 times द अमाउंट रिसीव्ड बाई फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू 6 times द अमाउंट रिसीव्ड बाई सेकेंड फ्रेंड एंड 8 times द अमाउंट रिसीव्ड बाई थर्ड पर्सन, फाइंड द रिस्पेक्टिव शेयर। हाँ, इसको कैसे करेंगे, देखो उसने बोला कि 4 times जो है वो रिसीव्ड बाई फर्स्ट फ्रेंड है, तो इसका मतलब फर्स्ट ए हो गया, तो उसने 4 times इज इक्वल टू सेकेंड को कितना, 6 times इज इक्वल टू 6b, ऐसे कर देते हैं हम, इज इक्वल टू थर्ड को कितना मिला, 8 times मिला, तो सॉरी सेकेंड को 6 मिला था, 6 times, ठीक है, 6 times, ठीक है, 6 times, ठीक है, 6 times, थर्ड को मिला 8 times, ठीक है, तो 8c ऐसे लिख देते हैं हम, बिल्कुल लिख देते हैं। और विच इज इक्वल टू, देखो ये बोला उसने देन फाइंड द रिस्पेक्टिव शेयर, ठीक है, तो हमने ए बी और सी के जो है वो रिस्पेक्टिव शेयर जो है वो देखना है। इस क्वेश्चन में वेरिएशन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन। सबसे पहले ये मैंने क्वेश्चन के बेसिस पे लिखा, उसने बोला कि इतना टोटल पैसा कितना है, 559 रुपये है, ठीक है, वो डिवाइड कर दिया हमने 3 बंदों में, ठीक है, और वो किस में कि ए को जो है वो 4 times पैसा मिला, अमाउंट द रिसीव्ड, और बी को 6 times और सी को जो है वो 8 times, ठीक है, ये मिला। तो अब देखो हम इससे आगे कैसे बढ़ेंगे,
कुछ बढ़ने के लिए कोई स्टेप तो फॉलो करना होगा ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 8, 6 और 4, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, एलसीएम निकालो। 2 के साथ जाएगा, 2 × 4, 3 × 6, 4 × 8, बिल्कुल 2 के साथ ले जाओ, 1 × 2, 3 नहीं जाएगा, 2 × 4 हो गया, और फिर 2 के साथ ले जाओ, ठीक है, 3 नहीं जाएगा, और 1 × 2, 3 × 6, 2 ×12, 2 ×24, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हमारे पास एलसीएम हो गया। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4A, हाँ 4A इज इक्वल टू 24, 4A इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू पता चल जाएगी, A इज इक्वल टू, A कितना हो जाएगा, 24 बाई 4, 4 × 4, 4 × 6 = 24, A की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। वैसे हम 6B इज इक्वल टू हमारे पास 24 आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, B इज इक्वल टू 24 बाई 6 करेंगे, 6 × 6, 6 × 24, तो B की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। वैसे ही हम 8C करेंगे, 8C इज इक्वल टू, 8C कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 तो हमारा सभी का LCM है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, तो C इज इक्वल टू 24 बाई 8, ठीक है, 8 × 8, 8 × 24, ठीक है, तो C की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि A की वैल्यू 6 आ गई, B की वैल्यू 4 आ गई, C की वैल्यू 3 आ गई, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच के, A, B और C, ठीक है, कितनी आ गई, 6, 4 = 3, ठीक है, 6 × 4 = 3, ठीक है, ये बोला ना उसने। फिर हमारे पास 6 और 4, 10, 10 और 3 कितने होते हैं, 13। अब 13 यूनिट जो है वो कितने के बराबर हो जाएंगे हमारे, 559 के बराबर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 559 के बराबर। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 559 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है, बिल्कुल 13 हो जाएंगी। देखो 13 × 13, इसको हम उड़ाएंगे कैसे, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको उड़ाएं, लेकिन उड़ाएं कैसे, क्योंकि बड़ी रकम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 13 × 13, 13 × 54, देखो 13 × 54, ये हमने 55 देखना है, 55 का देखना है, 9 को वैसे ही रहने दो, 13 × 54 हो जाएंगे ना, तो 52 और कितने 55 होते हैं, 3 होते हैं ना, तो 3 हमने यहाँ पर लिख देने हैं, इनमें से 3 बचे थे तो ये 3 हमने लिख दिया, आगे 9 था तो बिल्कुल 3 और 9 कितने हो गए, 39, 13 × 39 हो गए, तो 39 भी चला गया, तो हमारा पूरा का पूरा चला गया, मतलब 43 × 13 करेंगे तो हमारा 559 जो है वो आ जाएगा, तो 43 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 43 क्या आ गया हमारा, एक यूनिट की वैल्यू जो है वो हमारी 43 हो गई, ठीक है। उसने बोला फाइंड द रिस्पेक्टिव शेयर, तो शेयर जो है वो कितना आएगा, तो कर दो फिर 43 × 3 करेंगे, ठीक है, 43 × 3 करेंगे तो हमारा C का शेयर कितना आ जाएगा, C का शेयर आ जाएगा 129 आ जाएगा। अब देखो 43 × 4 करेंगे तो B का शेयर आ जाएगा, और B का शेयर आ जाएगा 172, 172 आ जाएगा, ठीक है, और A का शेयर आ जाएगा, A का शेयर कितना आ जाएगा, 43 × 6 करेंगे हम तो 200, 258, ठीक है, तो 258 जो है वो हमारा A का शेयर आएगा, 172 B का और 129 जो है वो उसका आएगा। कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो हमें ये दिया गया तो हमने क्या करना है, इनका LCM निकालना, LCM हमारा 24 निकला, तो उससे हम 4A इज इक्वल टू 24, वैसे करके हमने A, B और C जो है वो उनकी वैल्यू निकाल दी। A, B, C निकले जब हमने हमारे, तो वो हमारे क्या थे, मतलब यूनिट्स थे, तो उन यूनिट्स को हमने कलेक्ट किया, 13 हुए, 13 की वैल्यू 559 हो गई, फिर हमने एक यूनिट की वैल्यू निकाली, तो फिर हमें उसने रिस्पेक्टिव शेयर पूछा था, फिर हमने अलग अलग के निकाल दिए उसको, जैसे ये 3 यूनिट थे तो 43 रहे हमारे 129 हो गए, ये 4 यूनिट थे 43 × 4 = 172 हो गए, ये 6 यूनिट थे तो 43 × 6 = 258 हो गए, ठीक है, 83 × 18 हाँ 258 जो है वो हो गए, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हमारा वीडियो हालांकि लंबी हो रही है लेकिन कोई नहीं, हमने सोचा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है तो इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दें, और वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस लाए हैं, बाकी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दूसरे कहीं पे दिखते हैं तो आप उनको प्लीज प्रैक्टिस करो, जिससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी परफेक्शन जो है वो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, देखो टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% and 50% आर मोर देन अ थर्ड नंबर, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर की जो है वो कितनी होगी। देखो हमारे पास A है
बी है और सी है, उसने बोला दो नंबर्स जो हैं एक 20% ज़्यादा है और एक 50% जो है वो ज़्यादा है थर्ड नंबर से। हमें थर्ड नंबर के बारे में जब पता नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें सपोज करना होगा। अब परसेंटेज की बात हो रही है तो हम 100 को जो है वो नंबर को एक कंफर्टेबल नंबर मानते हैं कि जहाँ से हमें जो है वो एक क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि हाँ इसमें हम इतने परसेंट करेंगे तो हम जो है वो ओरली उसको कर सकते हैं। तो सी को क्यों ना हम 100 रखें, बिल्कुल सी को अगर हम 100 रखेंगे तो 20% अगर ए में है तो 10% हो गया इसका 10 और 20% 20 हो जाएगा, तो 100 में 20 कितना हो जाएगा 120, तो ये हो गया हमारे पास 120। इसमें 50% बी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो 50% कितना हो जाएगा, तो 50% इसका 50 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 150 हो गया, बिल्कुल ये हो गया। अब उसने बोला देन द थर्ड नंबर, देन द रेशियो ऑफ दीज टू नंबर, हमें जो है वो पूछा है इन दो नंबर्स की रेशियो पूछी है, तीसरी के बारे में उसने बात ही नहीं किया है, सिर्फ उसने ये बोला है कि तीसरी से एक 20% बड़ा है एक 50% बड़ा है, हमें रेशियो बतानी है। तो रेशियो के लिए हमें फिर से लोएस्ट नंबर पर आना पड़ेगा, सबसे पहले इसको ले जाओ, इसको ले जाओ, 12:15 उड़ते हैं किसी से, बिल्कुल देखो 4 × 3 = 12 होते हैं ना, बिल्कुल 4 × 3 = 12 होते हैं, और ये हो गया 5 × 3, 5 × 3 = 15, बिल्कुल ये भी गया, ये भी गया, कॉमन क्या है इनमें, 3 जो है वो कॉमन गया, तो 4:5 जो है वो इसमें से कम हो सकती है कोई, कुछ भी नहीं, तो ये इनकी रेशियो है 4:5 जो है वो A:B जो है वो उनकी रेशियो होगी। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो थी तो उसके बारे में, और बड़े ही सिंपल लेवल से हमने शुरू किया था और लास्ट में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम एक कम्प्लेक्स लेवल पे आके जो है वो रुके हैं, और बड़े ही सिंपल वे में इन क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया है, ठीक है। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड जो थी वो ज़्यादा थी, बोलता मैं इसलिए जल्दी जल्दी हूँ क्योंकि एक वीडियो में जो है वो आदमी कितना समझा सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े से कम टाइम में जो है वो ज़्यादा चीज़ें बोल दूँ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं इन चीज़ों को जो है वो जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो आप क्या करो कि ये जो वीडियो के लास्ट ऊपर जाओगे आप, तो यहाँ पर 3 डॉट्स बने होंगे, तो वहाँ से आप वीडियो की प्ले स्पीड जो है वो उसको कम करके जो है वो धीरे धीरे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन बड़ी अच्छे से जो है वो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो इसकी यही वीडियो थी, एक ही वीडियो थी, एक ही वीडियो में हमने कुछ 16-17 टाइप्स को जो है वो हमने कवर किया है, और इसमें से ज़्यादा जो है वो हमें कुछ पेपर में जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए ये आपको समझ आए होंगे, और अगर आपको समझ आए होंगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मत करना, लेकिन अपने घर में आपकी फैमिली में अगर आप में से कोई छोटे भाई बहन हैं उनके साथ शेयर कर देना, यही आपके लिए बहुत बड़ा काम होगा कि आप सोसाइटी में रह रहे हो और दूसरे की मदद कर रहे हो। हाँ, करने को तो हमें जो है वो दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन आदमी जितना कर सके तो उतनी ही जितना हो सके तो उतनी ही करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए प्लीज़ आप शेयर कर दो, अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करना, लेकिन हाँ ऐसे बोला जाता है, और ये चीज़ मैंने खुद भी फील की है कि ज्ञान जो होता है ना जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना नहीं बांटेंगे तो उतना ही हमारा माइंड जो है वो उतना ही रहेगा। जैसे एक 6 साल तक का बच्चा होता है ना, उसका माइंड क्या होता है, उसका माइंड होता है एक बैलून की तरह होता है, उसमें जितनी जो है वो हम हवा भरते हैं ना वो उतना जो है वो ज़्यादा होता है, उतना ब्रॉड होता है। अगर हम जो है वो उसमें हवा नहीं भरेंगे, हम एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो वो जो है वो उतना ही रह जाता है, फिर बाद में हम पछताते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना व्यक्तित्व इस तरीके से डेवलप करिए कि आप दूसरों की मदद करो, और दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसका कोई आपकी लाइफ में जो है कोई महत्व नहीं होना चाहिए, बल्कि इस चीज़ का महत्व होना चाहिए कि आप सोसाइटी में आए हैं तो दूसरों की किस तरीके से मदद कर रहे हैं। वो मदद जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली नहीं हो सकती है, वो मदद ऐसे भी हो सकती है कि अगर आप किसी को अच्छा रास्ता दिखाते हो तो यही सबसे बड़ी जो है वो मदद है। आज की डेट में कोई किसी का नहीं होता, किसी की फाइनेंशियली मदद जो है वो कोई किसी की नहीं करता, लेकिन हाँ अगर हमने सोसाइटी में रहते हुए किसी की अच्छे से मदद कर दी, किसी को अच्छे जो है वो मॉरल वैल्यूज दे दी, किसी को अच्छे जो है वो विचार जो है वो प्रदान कर दिए, किसी को एक दिन में भी अगर हम 2-3 आदमियों की जो है वो किसी की भी जो है वो मदद कर दें, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और यकीन मानिएगा जब हम किसी की मदद करते हैं ना तो उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें कहीं नहीं मिलती है। और ये अगर आपको लगता है ना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप
एक बार किसी की मदद करके देखना। जब आप किसी की मदद करोगे ना, तो आपके माइंड में ऐसे होगा, आपके दिमाग में ऐसे होगा कि यार हमें जो है वो और मदद जो है वो लोगों की करनी चाहिए। उससे आपको प्लेजर मिलेगा, उससे आपको खुशी मिलेगी, उससे आपको एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन मिलेगी कि आपको जो है वो किस तरीके से जो है वो काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने चाहिए। क्योंकि एक दिन में हमें 24 आवर्स मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, और 24 घंटे में अगर हम किसी की एक घंटा निकाल के भी अगर हम किसी की मदद कर दें ना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन होगी। और भगवान हमें बैठा हुआ है, देख रहा है, उसको पता है कि कौन किसकी जो है वो किस तरीके से मदद कर रहा है। बस इन्हीं वर्ड्स के साथ, इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय।